शरीर की चेतना चली जाए, शरीर शरीर ना होगा, ये सड़ जाएगा, शरीर बदबू मारने लग जाएगा। और तो और जिनके लिए इतनी मेहनत करा वो ही कहेंगे ले चल ले चल। सभी कहते हैं धीर धरे ना कोई, दम लिखना पाछे घड़ी न रखे कोई, एक घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते। जो तेरे प्यारे हैं वही तुझको जलाएंगे करेंगे याद, दफन तुझको वही तुझको जलाएंगे दफन करेंगे पानी में बाएंगे जो तेरे हैं। नजर दौड़ा के देखना बंधु, मालिक के नाम की कमाई, मालिक के नाम का सिमरन करो, धीरे 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 अपनी वाणी को शुद्ध करना। जो जो आप जागरूक होंगे जागेंगे चेत में आएंगे तो हर वक्त होश में रहेंगे। नहीं मैंने ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिसकी वजह से किसी का अपमान किसी की आत्मा दुख पाए, फिर होश आएगा। नहीं मैंने ऐसे शब्द भी नहीं कहना है जिसमें झूठ हो या तेरी मान बढ़ाई झलकती हो। जब इन शब्दों पे धीरे धीरे मंथन होगा विचार का, विचार करेंगे बार बार, तो सदगुरु की प्यारे साथ समिति परमात्मा के प्रति प्रेम भाव भी पैदा होगा। ऊपर के गीतों से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, हृदय के प्रेम की जरूरत है। वाणी गाई थी ना हृदय शुद्ध किया ना बाबरे कहते सुनत दिन विद्यालय, नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। जिन्होंने नाम सिमरन किया है उसी जीव का कल्याण हुआ। नितानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए, नाम के बिना यह जीव कभी मुक्त नहीं होता है, बंधन से नहीं छूटता है, काल के जाल से नहीं छूटता है। इसलिए नाम की महिमा गाई है, इसलिए सतगुरु के प्यारे साथ संगत उठते बैठते सोते जागते हुए अपने परमपिता परमात्मा को याद करो जो आपका है। अरे मानव जीवन में संभव है, इसलिए तो संत कहते हैं अब तिरणे का दाव समझ मन बावरे। अब क्यों का, क्योंकि अब ही मौका है। इसलिए अरदास करते अब के भवसागर से प्यार हो, क्योंकि अब के बात नहीं बनी ना, फिर बात मत देखना मानव जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम बैठे हैं अपने अंतरात्मा में विचार करके देखिए, कोई ऐसी वस्तु है हमारे पास जिसको मौत भी नहीं खा सकती काल भी नहीं खा सकता है कोई? क्यों? क्योंकि नाशवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया, नहीं तो दौलत ही दौलत थी। धर्मराज भी हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाओ, दौलत आपके पास है पर रोज रोज घटती जा रही है, मालिक से नाता टूटता जा रहा है। जो नाता सदगुरु से जोड़ लिया वो दौलत मिल जाएगी। जिस शब्द को सुनकर यमराज के मुख में भी धूल पड़ जाए, वो शब्द आपके भीतर हो रहा है अपने आप सदगुरु की रहमत से, लेकिन वो हम सुनते नहीं है। नितानंद तन में बजे बिना बजाया नाद, जिसको सुनने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकार सहज में चले जाते हैं। जैसे जंगल में शेर के धाड़ने से भेड़ बकरियां भाग जाती हैं, ऐसे ही शब्द को सुनने से ये चीजें सारी धीरे 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 समाप्त खत्म हो जाएंगी। आज जो विचार में विकार आते हैं ये साइलेंट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इन विचारों को इन विकारों से बचने का साधन ही सदगुरु का शरण है। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैराग्यों की माया ने भृंगी बना दिए, भाग रे फकीर का बाल का कनक और काम नहीं भाग ला गया, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा बड़ा बेवकूफ तू नहीं भाग गया, श्रृंग ऋषि से मार लिए,
बचा नहीं जिन्हें लाख त्यागा दास मजदूर जन बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जागया जो दिन रात सत्संग में बैठ गया दास करे विनती करे जो जागया है सोए नगरिया के लोग साधु जन कोई कोई जागे सारे लोग सो रहे गुरु का लाभ जागता है नितानंद जागे धनी सोवे सब संसार दिल ही जागे दर्द में घायल करे चुका प्रेमी जागता है दीवाना जागता है मस्ताना जागता है और जिसको ये यकीन है कि शरीर किराए का मकान है वो जागेगा क्योंकि किराए का मकान तो छोड़ के जाना पड़ेगा तो फिर वो इन घर की इन पत्थरों के लिए झगड़ा नहीं कर सकता झगड़े वही करते हैं जो अनजान है झगड़े वही करते हैं जो ना समझे झगड़े वही करते हैं जिनको अपना पता ही नहीं जिनको अपना पता है वो झगड़े नहीं कर सकते क्यों किससे करेंगे आप से झगड़ा करेगा कोई आपसे विवाद करेगा कोई आपसे ऊपर आपसे नीचे होने की बात ही नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा साईं सब घट है पर्दा हट जाएगा तो मैं भी वही हूं मन विक्षेप की आवरण की वजह से दरिया में पानी तो सब एक ही है घड़ों में भी वो ही पानी है पर घड़े का आवरण की वजह से अलग हो गया है जब वो टूट जाएगा तो एक हो जाएगा दूसरा कहने को जगह नहीं जब तक दो है तब तक संशय है जब तक दो जब तक संशय रहेगा तब तक दो रहेंगे संशय समाप्त वो एक और ये बड़ी बात सतगुरु की रहमत से होती है जीव के तरीके से जीव की अलग सोच और बुद्धि से नहीं हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी वाणी को वाणी जाल में ही अपने को फंसा के रखते हैं वाणी जाल में ही जी फंस जाता है संतों ने अपनी वाणी अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे जीव के लिए कही है और हम उन्हीं को नाक का सवाल बना के विवाद करके तर्क करके विरोधाभास पैदा करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जो अच्छी कमाई कर सकते थे लेकिन वो जीव वाणी जाल में फंस जाते तर्क में फंसा नहीं गुरु का लाल भैंस नहीं करेगा बात विवाद उपाद से सदा रहे हम दूर स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं बाद विवाद और उपाद से हम सदा दूर है क्योंकि बाद विवाद होगा तो अहंकार आएगा रोष आएगा पक्ष और विपक्ष आएगा और जहां आप यहां अपना पक्ष रखोगे वहां फंस जाओ माया आ जाए इसीलिए अपना एक ही पक्ष सदगुरु को जानिए दूसरी बात ही मत कार्य व्यवहार करिए पर हर जगह पर सदगुरुदेव दूसरी बात ही नहीं दूसरी बात ही नहीं काम करिए खेत में खलिहान में घर में परिवार में ऑफिस में आप करते रहिए और लगन के साथ और निखार के साथ करना पर अपने सृजनहार को मत भूलना अपने परमपिता परमात्मा को मत विसर एक दिन मिट्टी की ढेरी है एक दिन चलना पड़ेगा इसीलिए पाप ना कर जो अपने हरि को याद ना कर रहा है तो पाप ही कर रहा है क्या कर एक श्वास की कीमत का पता चल जाए ना कितना महंगा है तो होश उठ जाएंगे लेकिन हम 21,600 श्वास पर डे ले रहे हैं रोज ले रहे हैं और सांस बंद कर दें तो फड़फड़ाने लग जाएगा पूछे सारी दुनिया की दौलत दे देंगे पर सांस मत ले मेरा नहीं सांस चाहिए क्योंकि श्वास है तो ये जिंदा है
ये पिंजरा कार्य कर रहा है और श्वास नहीं तो ये भी डर हो जाएगा। इसलिए श्वास श्वास में नाम सिमर व्यर्था सांस ना खोए, तेरा ने सांस का आवन हो ना हो, श्वास श्वास संभालिए नितानंद हरि नाम, कर ले जामा रहा का बहुत दूर हो। सखी भी जतन करो कि मिलन का जतन करो परमात्मा से मिलने, रोज ध्यान करें सिमर करें अरदास करें, आडंबरों में पाखंड की बातों में भ्रमित ना होना। बड़े बड़े श्रृंगी ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या करी, माया ने भ्रंगी बना दी। इसलिए गुरुदेव स्वामी नितानदयाल कहते सिद्ध साधक जोगी थी ज्ञानी धानी पंडित आशिक मुनि सरकोट, नितानंद माने नहीं रहे गुरु की ओर। ज्ञानी बहुत बड़ी बड़ी तरफ बड़ी बड़ी बातें करें, एक शब्द पे कई घंटे बोलते हैं, ध्यानी भी बैठे रहे उठे हैं जो करते बड़ा ध्यान करता है, ये तो पूरी रात बैठा रहता सोता ही नहीं। ज्ञानी ध्यानी पंडिता जो शास्त्रार्थ करने वाला बड़ा पंडित बड़ा विद्वान किसी ब्राह्मण जाति से नहीं, पंडिता ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध जो वाणी से का हो गया सिद्ध मुनिश्वर कोट, एक दिन करोड़ों मिलेंगे। नितानंद मानने नहीं गए गुरु की ओट, इनमें मत फंसना, आन देंगे भ्रमित कर देंगे भटका देंगे, रहे गुरु की ओट, सरना सतगुरु का सही, सरना में सतगुरु का और, क्योंकि और बात काम नहीं आएगी सतगुरु की सरना में। इसीलिए संतों ने कहा कि सतगुरु को सिर पे राखिए, स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं सतगुरु को सिर पे राखिए, सतगुरु सिर पे राख, साथ संगत बेरा करोड़ी हेली गुरु का शब्द विचार, प्रेम उमंग तरंग में हेली उतरत लगना बार, साथ संगत के लिए जितना बन पाए, साथ संग से मना नहीं करते हैं। सब अपने अपनी जगह बड़े हैं, आप बहस मत करना, पर संत एक ही होते हैं, रंग रूप अलग हो सकता है, कबीर नानक के चेहरे में फर्क हो सकता है, पर कबीर नानक दो नहीं है, एक ही। जो पहुंचा उस देश में सबका एक विचार, नितानंद अद्वीज के बड़े उड़ाने छा, बहस हम करते हैं तर्क हम करते हैं, वहां तो शब्द ही नहीं, वहां तो बड़ा छोटा है ही नहीं, वही ओढ़ना वही खाना वही पीना वही सोना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बस वही, क्योंकि आप भी फिर वही हो दूसरा नहीं। बूंद को सागर में छोड़ दो, सागर पानी और बूंद उसमें छोड़ दी तो बूंद के ऊपर पानी नीचे पानी दाएं पानी बाएं पानी आगे पीछे पानी सर्वत्र पानी ही पानी, जित देखूं तित साहिब मेरा दूजा नजर नहीं आवे, जिन नैनन में बसे रमिए जब को जगह न पावे, शस्त्र ये बूंद ही नहीं पावे, बूंद ही नहीं। मैं चाली थी मिलन को और मैं उठी बीच से, मैं रही ही नहीं क्योंकि मैं ही वो हो गया। स्वामी नितानंद दयाल के मैं चाली थी मिलन को पर मैं रही नहीं, को समझे ये सुख की बात, समझो से निचानी, नितानंद अब कांसे की पीप की अब कहानी, कौन समझाएगा इन बातों को, और जिन्होंने समझा है उनसे छानी नहीं। आप चाहते हैं आपके परिवार का कल्याण हो, आप चाहते हैं आपके परिवार की पीड़ाएं मिटे, ये दुनिया की पीड़ा मिटना चाहते हो, असली पीड़ा मिटना चाहते हो, ये पीड़ा तो दो चार पैसे ले देंगे नौकरी का शादी होकर शायद संसार में मिट भी जाए, आपके मन के अनुसार, जरूरी तो नहीं है मिटेगी, आगे और चार खड़ी हुई है। पर जिस पीड़ा को संतों ने कहा है, मेरी बहन ने शब्द गाया था, जन्म मरण और गर्भ बसेरा
ये दुख मेरा दूर करो, असली दुख तो ये है। असली दुख ये है, जन्म मरे मरे फिर जन्म यो दुख कैसे छूटे। मानव जीवन तो मिल गया, आगे पता नहीं किस किस योनि में जाएंगे। जेठ के महीने में दोपहर के टाइम में गंदी नाली के पानी में आप विचार करना, जेठ का महीना दोपहर का टाइम और गंदी नाली के पानी में कीड़े पड़े हो, वो कीड़े कैसे बिलकते हैं, तड़फते हैं, है ना। और गर्म होता है पर आप हाथ देंगे ना उसमें तो भी आप नहीं सहन कर सकते, और वो पूरे शरीर से पड़े वो बिलक रहे हैं ऐसे। कबीर साहब कहें, सो दशा माँ के गर्भ की जाओ। यह दशा जो बच्चा माँ के पेट में होता है ऐसे जाओ, वहां तड़फता है और वहां अरदास करता है, प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा, दुख में तो ये भी करूंगा कि सुख में ना करे। और यहां आके भूल गया, संत जगाते हैं, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तू ध्यान का वादा करके आया था, कहां किया था, माता के सिक्किम बीच किया, कौन रब से आया जगत के बीच हो रहा गुलाम। अरे बेखबर गवार तुझे राम ना भाया, इस गंदगी के होश से दिल बहुत लगाया, ये ख्वाब का तमाशा क्यों बोलता है राम, मादर पीदर चलते आवन का। माता के सिक्किम बीच मां के पेट में, स्वामी जी महाराज की वाणी है, माता के सिक्किम बीच किया कौन रब से वादा किया था, आया जगत के बीच हो रहा गुलाम, गुलाम हो गया भूला माया मोह में देख सुपन का ख्याल, फिर पछताया जाके सुनो गोपाल, गोपाल मोह माया भूल गया, और झूठे झगड़े को लगा है मेरा हाय मेरा हाय मेरा, आज जान पाटे शरीर भी को नहीं तेरा। और शरीर ऐसा नहीं है कि आपके पास संकेत तो नहीं भेजता, भेजता है, पर हम मानते नहीं। आंखों से कम दिखना हो जाए तो संकेत भेज दिया, मैं साथ छोड़ रहा हूं। कानों से सुनना कम हो जाए तो संकेत भेज दिया, मैं साथ छोड़ रहा हूं। ये पैर लड़खड़ाने लग जाए, दर्द होने लग जाए तो समझना कि मैं साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन हम मानते नहीं। जब खबर भेज तो रहा है लेकिन हम मानते ही नहीं। हम और जतन करने की कोशिश कराएंगे, और जतन करेंगे, जितना जतन करेंगे उतना ही फंसते जाएंगे, लेकिन समझते नहीं। जवाब दे रहा है शरीर, धीरे धीरे खटिया में भी पड़ जाता है, फिर भी राम याद को याद, फिर भी मालिक की विनती, मालिक की प्रार्थना याद नहीं आएगी। अरे एक बात ध्यान देना, कुछ लोग बड़े भ्रांति में भी जी रहे, राम राम तो करते हैं पर राम में व्यवहार नहीं करते। तोता की तरह रटने से उद्धार नहीं होगा, आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, आपके खान पान में, आपके रहन सहन में, आपके चाल चलन में, आपके उठने बैठने में, आपके हर कार्य में सत्संग, हर कार्य में सिमरन शामिल नहीं होगा तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आपके उठने में भी हो, बैठने में भी हो, खाने में भी, पीने में भी, चलने में भी, फिरने में भी, खेत में भी, खलिहान में भी, ऑफिस में भी हो, सिर्फ वो सदगुरु का। जब तक हर विचार में भी, बातों में भी, व्यवहार में भी आप उसको शामिल नहीं करोगे तब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं पैदा हो सकता, और प्रेम नहीं होगा तो आप उसको नहीं पा सकते, उसके लिए नहीं रो सकते। अगर आप रोएंगे भी उसके लिए तो घड़ी दो घड़ी का रोना, फिर दुनिया के लिए रोना, बंधुओं के लिए तो रोना, गोपीनाथियों के लिए रोना, और अनंत जन्मों से रो रहा है अब तक पार नहीं पड़ी, अब तो उसके लिए रो, पार पड़ जाएगी। लाख शीश तू देश का यम राजा की भेंट, एक शीश तूने ना दिया शीर्ष गुरु को अर्पण, एक भी नहीं किया, हजारों शीश काल ने खा लिए, क्योंकि काल बड़ा बलवान है,
उस कैसा बलवान कोई नहीं है महाराज, देवी देवता पीर पैगंबर सब काल था है। गुरुदेव कहते हैं क्या कहा, शिव शिव का स्थान शिवपुर विदपुर इंद्रपुर जहां इंद्र रहता है अच्छाए ब्रह्मा भी पुरा, इतना ऊंचे जाके बोलते हैं महाराज जी, क्योंकि ब्रह्मा जिसने सारी सृष्टि को रचाया है, संत कहें लोक रचन एक सिद्धि है जो ब्रह्मा ने दी, लोक रचना भी एक सिद्धि है जो ब्रह्मा को दे रखी है, और ब्रह्मा का भी टाइम है, जैसे हमारी उम्र निर्धारित की है भाई हर व्यक्ति की 100 साल, कहने मात्र से 10 साल दिए अच्छा 120 साल दिए वो बात अलग है, तो 100 साल ऐसी ब्रह्मा की उम्र भी 100 वर्ष की है, पर उसके दिन रात में फर्क है, उसके 100 वर्षों में फर्क है। जैसे कलयुग का जो टाइम का बताया 4,32,000 वर्ष, द्वापर का टाइम बता 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग का बताया 12,96,000 वर्ष, सतयुग का बताया 17,28,000 वर्ष। शास्त्रों के अनुसार ये जितना टाइम हुआ है, ऐसी कोई बेहतर जोगनी इतना ब्रह्मा का दिन, फिर सारी चीजें लोप हो जाएंगी, इतना ही एक रात होगी, ये 100 वर्ष। स्वामी नितानंद दयाल फिर कहते हैं आखिर तो मरना हो ही, क्या खाचो कितना लंबा जी, आखिर तो मरना हो ही, जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नितानंद अब ना कटी तो तन 12 बाट, 12 बाट हो जाएगा। और कितनी बार आपने पहले शरीर मिला होगा, ख्याल है किसी शरीर को, अनुभव है कोई अभ्यास, हाँ देख सकते हैं आप पिछले जन्म में क्या थे, ये सहज की क्रिया है, जाति सीमा ध्यान से आप गहरे में जाओगे देख सकते हैं, लेकिन हमारे संतों ने गुरु विधान रुकावट बताई, इस तरफ नहीं जाना आपने, गलत है। हालांकि जाति स्मरण ध्यान से आप पीछे कई योनियों को देख सकते हैं, उसमें क्या थे उसमें क्या थे उसमें क्या थे, ऐसा हो सकता है, लेकिन सख्त हिदायत स्वामी नितानंद दयाल ने तो सब कुछ हिदायत दिया, बस एक ही सतगुरु शरणा, न आगे जाना न पीछे जाना, बस सतगुरु शरण हो जाना। काल कुल्हाड़ा दे बल, काल कुल्हाड़ा है शरीर बन है, काल कुल्हाड़ा दे बन काटे दिन और रात, तरबल जो दे जाएगा नितानंद सब दात, काल कुल्हाड़ा है शरीर बन है और दिन रोज रोज कटता जा रहा है, जैसे विशाल पेड़ गिर जाता है ऐसे ही शरीर भी तरबल जो दे जाएगा नितानंद सब दात गिर जाएगा, फिर कहेगा नहीं कोई बात, ये कोई बात नहीं कहेगा, सब कुछ मौजूद होंगे। वाजिद बादशाह व्यापार करने के लिए जा रहा था, ऊंटों पे जब रस्ते में रुके तो रात्रि में उसका पर्सनल ऊंट था वो मर गया, वाजिद ने अपने मंत्रियों से कहा कि ठाओ इस ऊंट को, मंत्री कहने लगे महाराज ये मर गया, वाजिद क्या था ऊंट ने लोग कहे मुआ नक्सल बिगड़ा है नहीं, बाजिंद का चुंबा हुआ, बाजिंद हैरान हुआ क्या मर गया, इसके तो पांव भी है कान भी आंख भी नाक भी सब कुछ तो है मर क्या गया, लोग कह रहे महाराज इसकी चेतन आत्मा आत्मा निकली डेड बॉडी है, बोले क्या मुझे भी मरना पड़ेगा इसे, बोले हाँ राजन आपको भी मरना पड़ेगा, उसी वक्त छोड़ दिया, नहीं ये झूठा झमेला है कोई और चीज है जो जहां मरना ना, घर गए जहां काल ना खाई, काल नहीं खा सकता वहां घर गए, सिद्ध साधक जो भी परमा वेद ना कोए उस मार्ग को हम चले
करता करे सफल। तो दूसरा नहीं एक बस, ना सिद्ध है ना साधक है ना जोगी ना जति ना ब्रह्मा ना वेद, कोई नहीं। उस मार्ग को हम चले, उस मार्ग को हम वो जा सकते हैं शब्द के द्वारा सदगुरु की रहमत से। रामानंद का कहे कबीरा मंजला मंजला जा पूछे, सदगुरु की रहमत से आप क्रॉस कर जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे, आप चले जाएंगे की सिख रोलक है दर्श्य मुक्त द्वार। स्वामी जी महाराज मैरू दंड की शिखर उलंघ है तस्य मुक्त द्वारा आपको दिख सकते, लेकिन आप तो नाभि में अटके, नाव कमल में जीव स्थाना सासा लग लग आवे ठहर ना सके पलक निश्वास हाथ कौन दिन आवे पिया की खोज करे सोता। हम तो धन की खोज करते हैं, नौकरी की खोज करते हैं, बच्चों की शादियों की खोज करते हैं, पर नाले की खोज ओखा है पर नामुमकिन नहीं है। सिर धड़ की बाजी जिसने लाई उसने पाया है, जो सिर धड़ की बाजी ला गया वो पा गया। मरने पहले मर गए सर गए उनके काम, नितानंद महबूब पे आशिक हो गए राम। चिंता मिटी मनवा चिंता जिसकी मिट्टी मनवा गए परवाह, उसको कछु न चाहिए सो ही सहसा। लेकिन अपने विचारों से अपने तरीके से मत होना, वो स्थिति अपने भीतर घटेगी अभ्यास के द्वारा, निर्मोही निर्विकार हो जाएंगे सदगुरु की रहमत से। बातों से होने की कोशिश मत करना, मार करें हाँ बातों से विचारों से, निंदा को चुगली को छल को कपट को बेईमानी को ठीक छोड़ना है, व्यवहार को ठीक करना है, अरदास करनी विनती करनी सिमरन करना है। एक दिन घट जाएगा, एक दिन उतर जाएगा। जो शब्दों से करे, विचारों से करे, बुद्धि मन इंद्रिय से करे, वो आपके भीतर एक अनासी अचानक ही हो जाएगा। फिर जो शब्दों में नहीं आ सकता, गूंगा हुआ बहरा हुआ जानक हुआ अनजान जान जान हो सकता है, रंग नहीं रूप नहीं जहां देख सकता है, रंग भी नहीं रूप भी नहीं आकार भी नहीं उसको देख सकता है, ऐसा हो सकता है। रुंद रुंद बोला खड़ा जाकर रूप में देख, अड़ता पड़ता फट गया जी चाहता देख, उसको देख सकते हो। पर कब पूर्ण रूपेण सदगुरु के हो जाएंगे, कब? जब बड़े बड़े देवी देवता पीर पैगंबर काल में खाली है, बड़े बड़े बलवान को सूत बड़े बड़े बलियों को मिट्टी में मिला दिया है, तो कैसे उभरेगा? स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं, नितानंद इस काल से किस विधि उभरे जीव, पकड़ चरण का आसरा और सुमर प्यारा पीर। ये तरीका है, पकड़ चरण का आसरा सदगुरु के चरण, सुमर प्यारा पीर और सिमर करो सदगुरु के नाम। नितानंद इस काल से कैसे उबरे प्राण, साध संग गुरु ध्यान से धरो धनी का ध्यान। ये तरीका है, कैसे उबरेगा? साध संग कर गुरु के शब्द का सिमरन कर धनी का ध्यान धरो। नितानंद इस काल से कैसे उबरे प्राण, साध संग गुरु ज्ञान से धरो धनी का ध्यान। नितानंद सत्संग बिन कोई न छूटे जीव, बचे चरण के आश्रय सुमर प्यारा पीर, उस पीर का सिमरन कर बच जाए। सदगुरु की प्यारी सत्संग संत की संगत करो, उनके वचनों को मानो। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला शब्द पुकार पुकार कहत है कर हो संतन साथा, भजन बंदगी सिमरन ते काल निभावे माथा, काल की शीश झुकाता है। सिमरन करो सेवा करो, आज एक संकल्प कर ले,
अपने घर में अपने माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, ये छोटी सी बात है, आज से उनकी सपोर्ट होना, माफ करना, दुखी होना, कोई भी तरीका हम अपनाएंगे वो पूरा नहीं, सीढ़ी की छत पे जाने के लिए कोई भी पैड़ी जो है ना छत नहीं है, न सिमरन न जप न तप न ध्यान न पूजा न पाठ, लेकिन सब जोर के सीढ़ी बनी जाती है उस घर की, स्टेप टू स्टेप मंजिले मंजिले जाओ पहुंच जाओगे, इसे भी विरोध नहीं करना, कोई जब कर रहा है ठीक है, कोई सिंह कर रहा ठीक है, कोई सत्संग कर रहा ठीक है, सारे उसकी ओर जाते हैं, सीख समा संतोष को धारण करके सत धीरज विश्वास रखिए, आर व्यवहार को ठीक करके नौ सागर से पर पार हो जाते, इसलिए सदगुरु के प्यारे शासन आज सीख समा और संतोष दया का भाव रखिए, दया सभी पे कीजिए, तजिए बैर विरोध, जो कुछ तुझको चाहिए उल्टा आप में शोध, स्वामी नित्यानंद दयाल में जो चाहिए अपने अंदर छान, पर दया सभी पे कीजिए, तजिए बैर विरोध, विरोध छोड़ दीजिए, छल छोड़ दीजिए, कपट को छोड़ दीजिए, द्वेष को छोड़ दीजिए, नहीं ये मेरा काम नहीं, ये मेरा स्थान नहीं, नहीं मैं आया किसी और काम के लिए, ये करने के लिए नहीं आया, अनंत जन्मों में करते रहे वही विकार को आज तंग कर रहे हैं, अगर नहीं किया होता तो कौन सा विकार आपके भीतर आता, सवाल ही पैदा नहीं, कोई विकार, आप तो निर्लिप्त थे ना, निर्विकार थे ना, किया तो विकार आया, और वो विकार आपको तंग करता, आपका किया हुआ आप तो है, आज नहीं तो अनंत जन्मों से प्रवृत्ति बढ़ेगी, स्वभाव बढ़ेगा आपके भीतर में, लेकिन जो जो आप बदलाव लाएंगे धीरे 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 सतगुरु की रहमत तक आपका अंत हो जाता है, गुरु भेद करें जब आप से हम सुना सतगुरु की रहमत बड़ी है, इसीलिए रोज सत्संग सुनिए, आप जपाए और उनको जपाओ, अपने मित्र प्यारे भाई चलो भाई सत्संग,